वसल्लम के बाद भी दूसरे नबी को मानता हो, ये किसी भी मस्जिद में जाकर के हमारे बच्चों को बरगलाता है और ये कहता है कि दूसरा नबी मानो। सब आदमी इसकी सूरतें पहचान लो, देहरादून और उत्तराखंड की जितने भी मस्जिदें हैं सब में ये वीडियो जानी चाहिए। इसको नहीं मानना कोई बात नहीं। अस्सलाम सामीन, 3 जुमादुल अउला और 6 नवंबर है। खबर का उन्वान है नया नबी या दूसरा नबी। दरअसल इस्लाम मज़हब का अकीदा ये है कि हादी आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया या दूसरा नबी नहीं आएगा। अब ये शख्स आपके सामने आप वीडियो में देख सकते हैं, बता जा रहा है कि ये देहरादून के किसी इलाके में पकड़ा गया है। लोग इसकी शक्ल दिखा रहे हैं, ये नौजवानों को खामोश तरीके से बहुत शातिराना अंदाज से गुमराह करता है और उनको ये समझाता है कि दूसरा नबी है, नया नबी है, वो शकील बिन हनीफ है। आप इसकी शक्ल देखिए, इसका चेहरा मोहरा देखिए और अंदाज़ लगाइए सूरत हाल क्या से क्या बदतर होती जा रही है। इस बारे में उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद ने जो बिगुल बजाया है, माशाल्लाह उसके असरात नज़र आने लगे हैं और लोग अब इन लोगों को पहचानने लगे हैं और बग़ैर दलील के ही इनको पकड़कर कानून के दायरे में सबक सिखाने लगे हैं। आपको पता ही है कि उम्मुल मदारिस ने जगह जगह इस बारे में कॉन्फ्रेंस और इजलासों का इनेकाद शुरू किया है। चुनाचे 24 घंटे पहले ही हरियाणा के यमुनानगर में एक बड़ा इजलास इस ताल्लुक़ से हुआ है, जहां हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी और दारुल उलूम के नाइब मुहतमिम हज़रत मुफ्ती राशिद आज़मी दामत बरकातहुम, वहीं से हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी मददुल आली और वहीं से मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब, ये 4 हज़ार वहाँ तशरीफ ले गए और इन्होंने अपने अपने अंदाज में आवाम को समझाया, आम आदमी की समझ में आ गया। अब इसी तरह गुजारिश हमारी उत्तराखंड के लोगों से है कि वो इन उलमा को बुलाए या इनके खिदमत में हाजिर हो जाए और ऐसे लोगों की पहचान का तरीका सीख लें। ये कहीं भी धोखा दे सकते हैं, कहीं भी फरेब दे सकते हैं कि इनका चेहरा मोहरा असल अहले इस्लाम से मिलता हुआ है। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना, ये बेमिसाल है, लाजवाब है, उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी आ जाती है उसको ख़त्म कर देता है। इसकी कीमत 3,000 रुपये है। जिन साहब को चाहिए वो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर राबता कर सकता है।